नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे खंडवा शहर की, जहां महान गायक किशोर कुमार का जन्म हुआ था। खंडवा मध्य प्रदेश के पूर्वी निमाड़ क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण शहर है। खंडवा एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन भी है, जो कि मुंबई से कोलकाता के रेल मार्ग का एक प्रमुख पड़ाव है। अब बात करें खंडवा के इतिहास की, तो बात हजारों साल पहले पाषाण युग तक चली जाती है। ओमकार मंडाता नर्मदा नदी के बीच में एक टापू है, जो कि खंडवा से 45 मील की दूरी पर है। यहाँ पर हमें प्रागैतिहासिक काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। खंडवा पर हय्या राजवंश का शासन रहा, जिनकी राजधानी महिष्मती यानी आज का महेश्वर रहा। इस वंश के प्रमुख शासक राजा सहस्त्रार्जुन थे, जिनका उल्लेख हमें भारतीय पुराणों में काफी बार मिलता है। जब भारत में बौद्ध धर्म फैल रहा था, तब खंडवा अवंती जनपद के राजा चंद्रप्रद्योता महासेना के राज्य के अंतर्गत आता था, जिसके बाद मगध के राजा शिशुनाग ने इसे अपने अधीन कर लिया। उसके बाद दूसरी सदी से 15वीं सदी तक यहाँ अलग अलग राजाओं के राजवंश का राज रहा, परंतु किसी भी राज्य की राजधानी नहीं होने के कारण खंडवा का इतिहास में हमें कोई बड़ा उल्लेख नहीं मिलता है। खंडवा से ज्यादा महत्वपूर्ण उस समय बुरहानपुर या अहिरगढ़ था, जिसे दक्कन का द्वार भी कहा जाता था। यहाँ पर अहिरगढ़ के अहिरों का राज था। बुरहानपुर की चर्चा हम किसी और वीडियो में कभी करेंगे। खंडवा का इतिहास आज से लगभग 156 साल पहले नाटकीय मोड़ लेता है, जब 1866 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे की शुरुआत करती है। खंडवा इस रेल मार्ग का एक प्रमुख हिस्सा होता है, जो कि मुंबई और कोलकाता के मार्ग का जंक्शन बनता है, जिसके कारण खंडवा व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरता है। इसके कारण रतलाम, जो कि सड़क मार्ग का एक प्रमुख केंद्र था, उसका महत्व कम हो जाता है। खंडवा आजादी के संघर्ष के समय भी एक महत्वपूर्ण स्थान बना रहा, जिसका नाम महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम खंडवा के नाम की बात करें, तो खंडवा का नाम खंडवा यहाँ पर स्थित वन, जिसे खांडव वन कहा जाता था, उसी के नाम पर पड़ा है। यहाँ पर पांडवों ने भी अपना अज्ञातवास गुजारा था। खंडवा भारत की आजादी के बाद 1992 में रेलवे लाइन का विद्युतीकरण होता है, और यह आज भी रेलवे मार्ग का एक प्रमुख हिस्सा है। यदि आप खंडवा आए, तो यहाँ का भवानी माता मंदिर जरूर जाएं, और यहाँ पे पास में ही धूनी वाले दादाजी का भी आश्रम है, तो आप जब भी खंडवा जाएं, इन्हें जरूर विजिट करिएगा। यह थी खंडवा पे हमारी छोटी सी प्रस्तुति, आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।